सब्सक्राइब करें सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता को और दबाएं बेल आइकन और पाएं क्लास 9 से क्लास 12 तक का सीबीएसई बोर्ड यूपी बोर्ड का मैथ्स का सल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सीबीएसई मैथ्स बाय आरपी गुप्ता। सो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द टॉपिक ऑफ क्लास 12, दैट इज द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस द एक्सरसाइज ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एंड आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ओके चिल्ड्रेन, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इफ आई स्टार्ट द वीडियो, द फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में, हम बात करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, किस तरीके से किसी भी इंटरवल में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इंक्रीजिंग फंक्शंस की, अगर सबसे पहले बात कर लें इंक्रीजिंग फंक्शंस की, तो इंक्रीजिंग फंक्शंस क्या होते हैं। सपोज करिए आपके पास कोई फंक्शन x है, ठीक है। तो वहाँ पर दो वैल्यू हमने क्या लिया, हमने इस तरीके से x1 की वैल्यू ले ली कि x1 की जो वैल्यू है वो x2 से लेस देन है, x1 इज लेस देन x2। अब अगर इस कंडीशन में फंक्शन ऑफ x1, किसकी बात कर रहे हैं, हम बात करें फंक्शन ऑफ x1, अगर फंक्शन ऑफ x1 की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं ये फंक्शन किस टाइप का है, इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। और इंक्रीजिंग फंक्शन में ही एक हमारे पास पार्ट आता है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्टली, हम क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन क्या चीज़ होती है कि अगर x1 जो है वो x2 से लेस देन है, उस कंडीशन में अगर f फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू फंक्शन ऑफ x2 से लेस देन होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। उसी तरीके से अगर हम बात करें डिक्रीजिंग फंक्शन की, तो यहाँ पर भी क्या होगा, एक सपोज कर लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन होगा, यहाँ पर वही कंडीशन लगा देते हैं हम कि अगर x1 लेस देन किसके है, x2 के हैं, अगर x1 लेस देन x2 है बट फंक्शन ऑफ x1 क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x2 के, तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग फंक्शन है। और डिक्रीजिंग फंक्शन में इसको हम लोग किस टाइप का फंक्शन बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको ये कैसा फंक्शन है, दिस इज एन डिक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, ये हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और अगर हम बात करें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की, ये क्या चीज होगी, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या चीज होती है। तो अगर हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो यहां पर अगर इफ एंड ओनली इफ अगर x1 x2 से लेस है और फंक्शन ऑफ x1 की वैल्यू ग्रेटर देन फंक्शन ऑफ x2 हो जाती है, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं ये कैसा फंक्शन है, इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अब हमारे पास बात आती है कि अगर हम किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व एनी क्वेश्चन विच इज़ बेस्ड ऑन द इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। तो जैसे हम अपनी एक्सरसाइज की बात करें, एनसीईआरटी एक्सरसाइज की, हमारे पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू थ्री एक्स प्लस 17 इज इन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था आपसे, दो पार्ट यहाँ पे है हमारे पास, हमने कहा क्या था, हमारे पास देखिए फंक्शन गिवन है, तो फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, ये गिवन है 3x प्लस 17 इस तरीके से गिवन है। और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको किस पे रियल नंबर पे शो करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं, हमने एडिट किया कि x1 की वैल्यू जो है वो x2 से ग्रेटर देन है, x1 जो है, वन सेकेंड, हमने क्या कहा कि हमने कहा x1 जो है वो x2 से लेस देन है। अब यहाँ पे हम x1 fx1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, अगर हम fx1 की बात करें यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, fx1 विल बिकम 3x1 प्लस 17, एम आई राइट, और fx2, व्हाट विल द fx2, fx2 विल बिकम 3x2 प्लस 17। बात समझ रहे हैं आप हमारी, नहीं समझ रहे हैं। अब देखना कंडीशन क्या थी हमारे पास, हमारे पास कंडीशन थे x1 इज लेस देन x2, तो हमने क्या किया, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3x1 विल बी लेस देन 3x2, एम आई राइट, तो 3x1 प्लस 17 विल बी लेस देन 3x2 प्लस 17। अब देखो 3x1 प्लस 17 ये किसकी वैल्यू है, 3x1 प्लस 17 द फंक्शन ऑफ fx1, और ये क्या हो गया, ये आ गया fx2। इस कंडीशन में हमको पता चल गया कि अगर fx1 लेस देन fx2 है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, किस टाइप का फंक्शन है, दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि कंडीशन क्या है कि फंक्शन ऑफ x1 जो है वो लेस देन फंक्शन ऑफ x2 है।
अब अगर हम बात करें इसी क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ टू फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, हाउ टू फाइंड इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव का यूज कर लें तो हमें कैसे चीज़ें मिलेंगी, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें, इफ अगर हम किसी फंक्शन का एफ डैस एक्स फाइंड करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू मोर देन जीरो है, इट मीन्स वो जो फंक्शन होगा कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर एफ डैस एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो है तो कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। और अगर एफ डैस एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल है, इट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म है, तो वो कैसा होगा, नीदर इंक्रीजिंग नीदर आई और नीदर आई नॉर डिक्रीजिंग। इसका मतलब कैसा होगा, ना तो इंक्रीजिंग होगा ना तो कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो अब अगर हम इस पार्ट को अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से करते, कैसे करते हैं, हम एफ डैस एक्स फाइंड करते तो क्या हो जाता, 3 एक्स का डिफरेंस 1, 17 डिफरेंस 0, तो हमारे पास क्या आ गया, एफ डैस एक्स इक्वल टू आ गया 3। इसका मतलब एफ डैस एक्स इज मोर देन 0, इट मीन्स यू आर टू कंसीडर दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इस तरीके से हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर 2x इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन R। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपना फंक्शन लिख लेते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, ई टू द पावर 2x गिवन है। इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, हम बोल देते हैं एफ डैश एक्स, इधर क्या हो जाएगा, ई टू द पावर 2x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2x बिकम 2। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई की पावर 2x, एंड नाउ यू कैन से 2 टाइम्स ऑफ फंक्शन ऑफ x। नाउ व्हाट यू कैन सी, द वैल्यू ऑफ एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है दैट इज मोर देन 0। अगर वैल्यू एफ डैश एक्स की मोर देन 0 है तो आप क्या कहेंगे, दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन, ये फंक्शन कैसा है, दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन। बात समझ में आ रही है। चलिए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या गिवन है हमारे पास, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज इंक्रीजिंग इन 0 टू पाई बाई 2, डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 टू पाई एंड नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग बिटवीन 0 टू पाई। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों अपना क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस तरीके से सॉल्व होगा ये। सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, अपना फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स गिवन है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग कि एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, साइन एक्स गिवन है। यहाँ से हम डी डब्ल्यू आर टू एक्स करेंगे तो एफ डैस एक्स आ जाएगा, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, ये हमारे पास आ गया। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें, इंक्रीजिंग बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, अब हम 0 टू पाई बाई 2 इंटरवल की बात करें, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से, अगर हम हमारे पास मान लीजिए सब कुछ करिए एक इंटरवल है, इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ मान लीजिए 0 है, ये क्या है हमारे पास पाई बाई 2 है, ये हमारे पास पाई है, और ये फाइन 0 टू पाई बाई 2 टू पाई, इतने पास वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब हम 0 से पाई बाई 2 के बीच में देखें तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में कॉस एक्स की वैल्यू कैसी रहती है, 0 टू पाई बाई 2 के बीच में कॉस एक्स की वैल्यू कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है, क्योंकि कोई भी आप वैल्यू लीजिए, देखिए अगर आप साइन कॉस 30 की बात करेंगे वो भी पॉजिटिव, कॉस 60 वो भी पॉजिटिव, कॉस 45 सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, व्हाट यू कैन से एफ डैश एक्स इक्वल टू पॉजिटिव, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो आप क्या बोलेंगे, इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, इसके बी नंबर की बात करें, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, डिक्रीजिंग पाई बाय 2 टू पाई। अब देखो पाई बाय 2 से पाई की ओर जब हम मूव करते हैं तो हमारे पास देखना फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, एफ डैश एक्स जो हमारे पास है दैट इज द कॉस एक्स, बट जैसे ही अगर हम कॉस पाई बाय 2 से पाई की अगर रेंज की बात करें, सपोज के लिए मान लीजिए हमने 135 ले लिया, तो अगर हम यहाँ पे 135 एफ डैश 135 की बात करें दैट इज द 3 पाई बाय 4, अगर हम 3 पाई बाय 4 की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस 90 प्लस 45, कॉस 90 प्लस थीटा इट बिकम माइनस साइन थीटा, माइनस 45 दैट इज द माइनस का 1/√2। तो व्हाट यू कैन सी कि एफ डैश एक्स जो है यहाँ पर कैसा हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू निगेटिव, हेंस व्हाट यू कैन से इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग। और अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, जीरो से पाई के बीच में, यहाँ से और यहाँ के बीच में बात करें, तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स, एफ एक्स हमारे पास क्या है, साइन एक्स है, और एफ डैश एक्स हमारे पास क्या है,
दैट इज द कॉस एक्स। मेरी बात सुनना, नोटिस किया कि जीरो से पाई बाई टू के बीच में तो पॉजिटिव रहता है, लेकिन पाई बाई टू से पाई के बीच में कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। इट मीन्स इट इज नॉट हैविंग द सेम साइन इन होल इंटरवल। सो व्हाट यू कैन से, इसके जीरो और पाई के बीच में कैसा होगा, ये ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना तो डिक्रीजिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना इसी तरीके से। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। क्या गिवन है कि फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, सबसे पहले हम लोग फंक्शन लिख लेते हैं एफ एक्स। एफ एक्स की वैल्यू क्या गिवन है हमारे पास, गिवन है टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स। यहाँ से हम इसके एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे। एफ डैश एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा, टू टू या फोर एक्स माइनस थ्री, फोर एक्स माइनस थ्री आ गया। इसको जरा हम एक बार एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल करते हैं तो हमको देखना क्या मिलेगा, यहाँ से हमसे मिलेगा फोर एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो एंड फोर एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू थ्री बाय फोर आ गया। यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर माइनस का इनफाइनाइट है, ये प्लस का इनफाइनाइट है और इसके बीच में कहीं पर थ्री बाय फोर रहा होगा। तो यहाँ पर हमको दो डिसजॉइंट इंटरवल मिल जाएंगे, एक होगा माइनस इनफाइनाइट टू थ्री बाय फोर और दूसरा जो इंटरवल होगा वो होगा 3 बाय 4 से इनफाइनाइट। अब हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें माइनस इनफाइनाइट से 3 बाय 4 में तो यहाँ पर एफ डैश एक्स कैसा होगा माइनस इनफाइनाइट से 3 बाय 4 में। इस कंडीशन में हमारा जो एफ डैश होगा वो कैसा होगा, निगेटिव होगा। एफ डैश एम हमारा कैसा होगा, निगेटिव होगा। इसका मतलब होगा कि माइनस इनफाइनाइट से 3 बाय 4 के बीच में जो हमारा फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसी तरीके से 3 बाय 4 से इनफाइनाइट के बीच में जो हमारा फंक्शन होगा एफ डैश एक्स डिफ्रेंशिएशन वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब हमारा ये फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। किस इंटरवल में, 3 बाय 4 से इनफाइनाइट के बीच में। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स प्लस सेवन। ये भी सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसको भी हम कैसे कर सकते हैं कि पहले एफ एक्स की वैल्यू ले लीजिए। एफ एक्स कितना है, 2x क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी सिक्स एक्स प्लस सेवन। यहाँ से डिफ्रेंशिएट कर दीजिए इसको, बोल दीजिए एफ डैश एक्स तो हो जाएगा टू थ्री जै सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टू जै सिक्स एक्स माइनस थर्टी सिक्स। ये हमारे पास आ गया। इसके जरा फैक्टर कर लेते हैं तो जब हम एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो कहेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अगर हम एक्स के फैक्टर्स करें तो हमको दो फैक्टर्स मिलते हैं। दो फैक्टर्स हमको कौन कौन से मिलेंगे, एक हमको मिलेगा, क्या मिलेगा एक हमको, एक हमको मिल सकता है एक्स माइनस थ्री और दूसरा हमको मिल सकता है एक्स प्लस टू। दीज आर द टू फंक्शंस। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री और माइनस टू इस तरीके से। तो फिर से अगर हम अपने नंबर लाइन पे इस तरीके से ड्रॉ कर दें, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, यहाँ कहीं पर माइनस टू रहा होगा और यहाँ कहीं पर थ्री रहा होगा। तो अगर हमारे पास इंटरवल की बात की जाए तो हमारे पास कितने इंटरवल आएंगे, तीन जॉइंट इंटरवल आएंगे, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीन इंटरवल हो गए। कौन कौन से, माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू, माइनस टू से थ्री और थ्री से इनफाइनाइट, ये तीन इंटरवल हमको मिल गए। अब अगर बात की जाए माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू के बीच में, तो अगर हम इन दोनों साइन का मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस बिकम प्लस, माइनस माइनस बिकम प्लस, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और ये कैसा हो जाएगा, माइनस प्लस बिकम माइनस, निगेटिव और प्लस प्लस बिकम पॉजिटिव। तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर जो होगा माइनस इनफाइनाइट और माइनस टू में और थ्री और इनफाइनाइट में हमारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पर भी ये कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमारा फंक्शन होगा कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा डिक्रीजिंग। बात समझ में आ गई। तो हमारा माइनस इनफाइनाइट से माइनस टू में इंक्रीजिंग होगा, माइनस टू से थ्री में कैसा होगा, डिक्रीजिंग होगा और थ्री से इनफाइनाइट में इंक्रीजिंग होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। इज इट नॉट विजिबल टू यू, मैं अपने आपको थोड़ा साइड में कर देता हूँ तो आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। नाउ इट इज विजिबल टू यू, ओके फाइन, आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके फाइन, ओके। सो आफ्टर दिस लेट्स सी व्हाट इज गिवन हियर। तो अगेन क्वेश्चन नंबर सिक्स इज गिवन हियर, दैट इज द फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। मैंने आपको वे बता दिया कि हाउ टू फाइंड द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, आप विजीली कर सकते हो उसको, ठीक है। जैसे फाइंड द इंटरवल इन विच द फॉलोइंग फंक्शन, जितने भी क्वेश्चन हैं सेम मेथड अप्लाई करिए, आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे पास गिवन है कि सो दैट वाई इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं कैसे होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वाई इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स माइनस टू एक्स अपॉन टू प्लस एक्स। तो सबसे पहले हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम उसको बोल सकते हैं डीवाई बाई डी एक्स
इज इक्वल टू लॉग वन प्लस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमारे पास होगा 1/1 प्लस एक्स माइनस, अब यहाँ पर हम डिवाइड रूल अप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर एंड दिस 2 एज इट इज नाउ दिस इज द 2 प्लस एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स विल बिकम 1 माइनस दिस इज द एक्स एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2 प्लस एक्स लाइक दिस. तो यहाँ से जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी 1/1 प्लस एक्स माइनस दिस इज द 2 एंड हियर दिस इज द 2 प्लस एक्स और दिस इज द माइनस एक्स. ओके क्यों, बिकॉज द डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2 विल बी 0 एंड एक्स विल बी 1 सो मल्टीप्लाई बिकम एक्स एंड अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. सो हियर डी वाई बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स माइनस दिस एक्स विल बी कैंसिल आउट माइनस माइनस 2 जा 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. सो फाइनली यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स दैट इज द 1/1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स. अब इसको समझिए कि कह रहे हैं कि इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स थ्रू आउट इट्स डोमेन. तो एक कंडीशन देखो यहाँ पे गिवन है कि एक्स की वैल्यू हमारे पास कैसी होगी, ग्रेटर देन माइनस वन होगी. अब अगर ग्रेटर देन माइनस वन की बात करें, इस कंडीशन की बात करें, तो आप वाट एवर द वैल्यू यू विल पुट ये हमारे पास आ गया. तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, हम बोल सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स एज इट इज, ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस एक्स. तो यहाँ से जो हमारे पास एफ डैश एक्स है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम लोग एलसीएम ले लेते हैं 1 प्लस एक्स और 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. यहाँ इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 प्लस एक्स है तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर को ओपन करेंगे 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स माइनस 4 माइनस 4 एक्स. तो यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, दिस द 1 प्लस एक्स एज इट इज और ये 2 प्लस एक्स एज इट इज, माइनस 4 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 एक्स से 4 स्क्वायर, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स. तो अगर हम x की कोई भी वैल्यू लेते हैं माइनस 1 से मोर देन, तो हमारा फंक्शन कैसा रहेगा, हमारा फंक्शन रहेगा इंक्रीजिंग फंक्शन. तो हम बोल सकते हैं यस दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन थ्रू आउट इट्स डोमेन. आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है. तो दिस इज द क्वेश्चन बाय इट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल टू x x माइनस 2 होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने आपको बताया था फर्स्ट डेरिवेटिव इसको सॉल्व करते हैं. तो देखिएगा y इज इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है, x गिवन है और साथ में गिवन है x माइनस 2 होल स्क्वायर लाइक दिस. तो इसको थोड़ा सा हम और ओपन कर सकते हैं, तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर. अब इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लें एफ डैश एक्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म इट बिकम 2 एक्स माइनस 2 प्लस एंड दिस इज द एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, ये 2x आ जाएगा. तो यहाँ से अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू फाइंड की जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सी ये x कॉमन ले लेते हैं और x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं. तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा 2 प्लस, यहाँ से हमने x माइनस 2 और x कॉमन ले लिया है तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा x माइनस 2 एंड also 1 2, ये 2 भी बच गया. ठीक है, तो यहाँ से एफ डैश एक्स इक्वल टू हम क्या कर सकते हैं, 2 भी कॉमन ले लें अगर 2x x माइनस 2, तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x प्लस एक्स माइनस 2. ठीक है ना, तो हम क्या कर सकते हैं इसको, एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x x माइनस 2 और ये हो जाएगा 2x माइनस 2 इस तरीके से. अब एक काम करते हैं, हमको वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है जिसके थ्रू कह रहे हैं कि ये डिक्रीज इंक्रीजिंग फंक्शन है. ठीक है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू मोर देन 0 होनी चाहिए. तो अगर हम इस पूरे फंक्शन को 2x x माइनस 2 और 2x माइनस 2 की वैल्यू को अगर हम फाइंड इक्वल करें इसके, अगर हम कह दें मोर देन 0 है, तो यहाँ पे हमारे पास कंडीशंस क्या आएंगी, आई विल गेट फ्यू कंडीशंस, लेट्स सी व्हाट आई विल गेट. आई विल गेट सी, फर्स्ट ऑफ ऑल x विल बी ग्रेटर देन 0, सेकेंड x विल बी ग्रेटर देन 2 एंड थर्ड x विल बी ग्रेटर देन 1. हमारे पास ये वैल्यू आएंगी क्योंकि 2x माइनस 2 को जब ग्रेटर देन 0 करोगे देन x विल बी ग्रेटर देन 1. तो हमारे पास तीन कंडीशन आ रहे हैं कि x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 0 x विल बी ग्रेटर देन 0, देन सेकेंड कंडीशन है कैसी कि x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, है ना, और थर्ड कंडीशन कैसी, और वन सेकेंड 2x माइनस 2 ये गिवन है ना. तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं बेटा हम, अगर हम पहले सबसे पहले अगर x को ऐसे बोलते हैं x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 2
और यहाँ पे देखिए इस पार्ट को ध्यान से, 2x-2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो हमारे पास आएगा x ग्रेटर देन 1। इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। ये हमारे पास कंडीशन आ रही है, ठीक है, कि हमारी जो वैल्यू होनी चाहिए इस तरीके से, x विल बी लेस देन, x विल बी मोर देन 0 एंड लेस देन 1। एंड देखते हैं अपना क्या गिवन हमारे पास है। ओके फाइन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या गिवन है, लेट्स सी। ओके सो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट y इक्वल टू 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे पहले हम y की वैल्यू लिख लेते हैं, क्या गिवन है, 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा और दिस द माइनस थीटा। तो हम इसका जब dy बाई डी थीटा करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, देखना क्या मिलेगा हमको, यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस पार्ट 2 प्लस cos थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ 4 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा डी बाई डी थीटा ऑफ 2 प्लस cos थीटा, एंड हियर इस पार्ट को देख लीजिए माइनस थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से dy बाई डी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए 4 sin थीटा का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 4 sin थीटा का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है cos थीटा, माइनस ये 4 sin थीटा एज इट इज रहेगा, 2 का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा और cos थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस sin थीटा हो जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा है हमारे पास, अपॉन में चल रहा है 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद हम क्या करते हैं, dy बाई डी थीटा एज इट इज, यहाँ से क्या कर सकते हैं 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे क्या बचेगा, ये बचेगा 2 प्लस cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई cos थीटा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, हमने इस cos थीटा की मल्टीप्लाई 2 में की फिर cos थीटा में की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, यहाँ से भी हमने क्या कॉमन ले लिया था 4 कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या चल रहा है 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1। तो थोड़ा सा हम और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं f डैश थीटा भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, 4 एज इट इज। अब देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 cos थीटा, 1 प्लस 2 cos थीटा, क्यों ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया, ठीक है। अब ये क्या चल रहा है 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए 0 से पाई बाई 2 के बीच में अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, इफ़ आई पुट एनी वैल्यू बिटवीन, तो बच्चों इफ़ आई विल पुट एनी वैल्यू बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 इन दिस फंक्शन, वी विल गेट द एफ डैश थीटा, द वैल्यू ऑफ एफ डैश थीटा विल बी मोर देन 0। इस कंडीशन में जो भी वैल्यू एफ डैश थीटा की आएगी वो कैसी होगी, मोर देन 0 होगी, इट मीन दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन बिटवीन 0 टू पाई बाई 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन है हमारे पास। प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 2 पाई, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, हम क्या बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू एक लॉग एक्स बोल देते हैं, एक फंक्शन है, इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, एफ डैस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। अब आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करिए 1 अपॉन 0, अगर हम यहाँ पे 1 अपॉन सपोज करिए 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट के बीच में बिटवीन दिस इंटरवल, आप कुछ भी वैल्यू पुट करिए इस इंटरवल में इन 0 टू इनफाइनाइट, 0 टू इनफाइनाइट के बीच में कोई वैल्यू पुट करेंगे आपको हमेशा जो एफ डैश एक्स की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी मोर देन 0, उसकी वैल्यू मोर देन 0 होगी, और उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे कि दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन होगा इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन माइनस 1 टू 1। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, देखो एफ एक्स की वैल्यू गिवन है हमारे पास, एफ एक्स कितना गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 गिवन है, और अगर हम एफ डैश एक्स की बात करेंगे तो हो जाएगा 2x-1, ठीक है। अगर हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल कर दें तो यहाँ से हमारे पास एक पॉइंट निकल करके आएगा 2x-1 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 1/2। और अब अगर बात करें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की, देखिए यहाँ पर हमारे पास माइनस 1 है, यहाँ पे 1 है, ये 1/2 है, ये पार्ट हमको मिल गया, ठीक है। तो अब अगर देखोगे तुम तो माइनस 1 से अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, सपोज करिए माइनस 1 और 1/2 के बीच में अगर हम कोई वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं
तो हमें क्या मिलेगा, क्या हमें स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। और अगर हम 1/2 से 1 के बीच में पुट करते हैं कोई वैल्यू एफ डैश एक्स में, तो क्या हमको डिक्रीजिंग मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस मीन्स इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। और यहाँ पर एक चीज़ हम और भी बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि अगर हम देखें -1 से 1/2 के बीच में, अगर हम कोई वैल्यू -1 से 1/2 के बीच में लेते हैं तो हमको क्या मिलेगा? हमें जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी द, अगर -1 से 1/2 के बीच में जो वैल्यू हम पुट करेंगे कोई भी एक्स की, तो हमें वैल्यू जो मिलेगी निगेटिव मिलेगी, और 1/2 से 1 के बीच में पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो हमारे पास -1 से 1 के बीच में जो एफ डैश एक्स का साइन है, द साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज नॉट डिसाइडेड, लाइक एफ डैश एक्स साइन ऑफ एफ डैश निगेटिव हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। हेंस व्हाट विल से द साइन ऑफ एफ डैश एक्स इज नॉट सेम इन दिस इंटरवल, देन दिस फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करके देख लीजिए। देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स गिवन है, और एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन एक्स। फर्स्ट पार्ट आ गया, ये माइनस साइन एक्स हो गया। आप जानते हो कि अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसी है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है, अगर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो है तो इट मीन्स इट इज़ डिक्रीजिंग। तो आप देख सकते हैं कि 0 से π/2 के बीच में ये कैसा होगा, ये डिक्रीज करेगा। इट मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, कॉस एक्स विल बी अ डिक्रीजिंग फंक्शन बिटवीन 0 to π/2। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या गिवन हमारे पास है। ऑन विच द फॉलोइंग इंटरवल इज द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 + sin x - 1 इज डिक्रीजिंग। अगेन सेम क्वेश्चन है, इसका भी डिफ्रेंशिएट कर दीजिए आप। देखिए एफ एक्स की वैल्यू गिवन है आपके पास, क्या गिवन है, एक्स टू द पावर 100 + sin x - 1। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट अगर कर दें, एफ डैश एक्स फाइंड कर लें, तो हो जाएगा 100 x की पावर 99 प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स माइनस वन टू जीरो। अब देखिए वैल्यू हमारे पास, देखिए हमारे पास अगर 0 to 1 की पुट के, 0 to 1 के बीच में कोई वैल्यू पुट करोगे यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू है पुट करो तो द फंक्शन बिकम पॉजिटिव, फंक्शन बिकम पॉजिटिव। तो हमको तो डिक्रीजिंग फाइंड करना तो ये नहीं हो सकता है। π/2 से π के बीच में अगर हम वैल्यू की बात करें, चलिए अगर हम बात करें अब इसकी सेकेंड π/2 π/2 π के बीच में, तो π/2 π के बीच में भी इसकी जो वैल्यू अगर हम पुट करेंगे यहाँ पे, जो भी वैल्यू पुट करेंगे, मान लें सपोज करिए cos 90 की वैल्यू पुट करते हैं, cos 90 जीरो, देन दिस विल बी पॉजिटिव। तो फिर से इस कंडीशन में भी हमारे पास वैल्यू कैसे आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। इट मीन्स ये भी गलत हो गया। 0 to π/2 के बीच में सेम कंडीशन फॉलो होगी, इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन 14 देखते हैं क्या गिवन है यहाँ पे। तो क्वेश्चन 14 में गिवन है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द फंक्शन इफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन 1, 2। और हमको एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, हमको लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। हमको कौन सी फाइंड करनी है? लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस वन गिवन है। इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट बिकम 2x + a। अब जरा देखिए 1, 2 पे ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन 2, 1 पे, हमको लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इंटरवल में लिस्ट वैल्यू कितनी है, 1 है। तो अगर हम यहाँ पे 1 अगर पुट कर दें, एफ डैश 1 की वैल्यू फाइंड कर लें, तो क्या हो जाएगा, 2 + a हो जाएगा ये। अगर हम, और हमारे पास कंडीशन क्या है, 2 + a इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। इसका मतलब लिस्ट वैल्यू ऑफ a ऑन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग दैट इज द a इज इक्वल टू -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अपना। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 15। लेट I बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1.x इज इंक्रीजिंग ऑन 9। बहुत इजी क्वेश्चन बेटा है। फंक्शन देखो हमारे पास गिवन है, एफ एक्स इक्वल टू क्या गिवन है, एक्स प्लस 1.x गिवन है। इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, देखना एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1.x का डिफ्रेंशिएशन -1.x² 1 - 1.x² मिल गया हमको। अब देखो हमारे पास जो इंटरवल गिवन है -1 से 1 गिवन है। अब आप -1 से 1 के बीच में अगर यहाँ पे कुछ भी पुट करोगे, इफ यू पुट एनी थिंग, वाट एवर यू पुट ओवर हियर, वाट यू विल गेट एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी दैट इज द मोर देन 0। हमारे पास जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी वो कैसी होगी, वो मोर देन 0 होगी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर कर लेते तो हम ऐसे भी बोल सकते थे इसको कि x² - 1/x² ऐसे भी, इस तरीके से भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, x² - 1/x। तो आप यहाँ पे कुछ भी पुट करेंगे -1 से 1 के बीच में, तो हमको वैल्यू हमेशा कैसे मिलेगी, आर वैल्यू विल बी
ऑलवेज मोर देन जीरो, तो आप कह सकते हैं कि यस इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 16 देख लेते हैं क्या गिवन है। प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स इज इंक्रीजिंग ऑन जीरो टू पाई बाय टू एंड डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय टू पाई। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है कि देखो एफ एक्स की वैल्यू हमको गिवन है। एफ एक्स कितना गिवन है? एफ एक्स गिवन है लॉग ऑफ साइन एक्स, तो उसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एफ डैश एक्स फाइंड कर लीजिए। तो लॉग ऑफ साइन एक्स मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/sin x, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना? कॉस एक्स। तो एफ डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये कितना हो गया? ये हो गया कॉट एक्स। अब देखो जीरो टू पाई बाय टू के बीच में बात करते हैं, मगर हम अगर बात करें एफ डैश एक्स को देखें जीरो टू बाय टू, सो जीरो टू पाई बाय टू के बीच में जो हमारे पास एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स कैसा आएगा? एफ डैश एक्स विल बी पॉजिटिव। अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा इट मीन्स इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और उसी तरीके से अगर हम बात करें कि पाई बाय टू से पाई बाई के बीच में, बिटवीन पाई बाय टू पाई, तो जो एफ डैश एक्स होगा वो कैसा होगा? दैट विल बी लेस देन जीरो, इट मीन्स इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन। बस सिंपल सा क्वेश्चन था, हो गया सॉल्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 17 देखते हैं। प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाय लॉग मॉड कॉस एक्स डिक्रीजिंग जीरो टू पाई बाई टू, सेम एज क्वेश्चन में 16। ठीक है, 18 प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू इंक्रीजिंग इन आर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, सिंपल सा है क्वेश्चन। इस टाइप का मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, करना क्या होता है, सीधे सीधे डिफ्रेंशिएट कर दो इसको एक बार, एफ डैश एक्स फाइंड कर लो, तो हो जाएगा 3x² माइनस 3 2 जा 6x प्लस 3। ये हमारे पास देखो फंक्शन आ गया 3x² माइनस 6x प्लस 3। तो यहाँ से एफ डैश एक्स की अगर हम वैल्यू निकाल लें, थोड़ा 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1 इस तरीके से। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स की वैल्यू जो है मोर देन जीरो है, किसमें? हमारे इंटरवल में, आर में। ठीक है, रियल नंबर में। तो हमारे पास अगर एफ डैश एक्स मोर देन जीरो है तो हम क्या कह सकते हैं? यस द फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। फंक्शन कैसा फंक्शन है? फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 19 देखते हैं अपना क्या गिवन है यहाँ पे। द इंटरवल इन विच वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इज इंक्रीजिंग। सबसे पहले अपना फंक्शन लिख लेते हैं, वाई इज इक्वल टू क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स, इसको हम एफ एक्स बोल देते हैं। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं वन टाइम, तो हमारे पास आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स हो गया, और साथ में क्या आ जाएगा? माइनस वन आ जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा? ई की पावर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। तो जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी? यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स हम कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 2x। तो एफ डैश एक्स की जो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी दैट विल बी ई की पावर माइनस एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और हम जानते हैं अगर एफ डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसकी वैल्यू मोर देन जीरो होनी चाहिए, तो ई की पावर माइनस एक्स की वैल्यू भी मोर देन जीरो होनी चाहिए, और इस पार्ट की वैल्यू भी मोर देन जीरो होनी चाहिए। तो अगर हमें कोई इसको देखें तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज मोर देन जीरो, तो हम बोल सकते हैं 2x विल बी मोर देन एक्स स्क्वायर, इट विल कैंसिल आउट। तो हमारे पास x की वैल्यू कैसे आ गई? 2, x की वैल्यू लेस देन 2 होनी चाहिए। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो वैल्यू है 0 और 2 के बीच में लाई करेगी। किसके बीच में लाई करेगी? 0 2 के बीच में। क्यों लाई करेगी 0 2 के बीच में? यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो हम बोल सकते थे ई की पावर माइनस एक्स ग्रेटर देन ई की पावर 0, x की वैल्यू 0 यहाँ से आ जाती है, यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो 0 2 के बीच में वैल्यू लाई करेगी, इट मीन्स आर आंसर इज डी। ठीक है बच्चों, तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।